रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे जितने भी यूट्यूब चैनल वाले भाई लोग हैं, हे गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि फिटनेस का सारा अपडेट सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सिंह फिटनेस एरा पे मिलेगा। तो मैं मनीष सिंह, आप लोग देख रहे हो सिंह फिटनेस एरा। तो आज मैं फिटनेस इंडस्ट्री से बहुत सारा अपडेट लेकर आया, जिसमें जो सबसे पहला अपडेट है वो है IFBB प्रो मनोज पाटिल की तरफ से। तो देख सकते हो ये इनका करंट फिजिक अपडेट है। बाय द वे, यदि फिजिक की बात करें तो फिजिक अच्छा खासा दिख रहा, और जैसा कि आप लोग जानते हो ये एक पोटेंशियल वाले एथलीट्स हैं। और ठीक है, अभी इनके बहुत कम टाइम में इन्होंने लाइक प्रो शो में, उधर इम प्रो क्लासिक में कॉम्पीट करा था, फिर अभी विद इन लाइक 2-3 मंथ में फिर ये कॉम्पीट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा ड्रामेस्टिक चेंज तो नहीं होगा, बट ठीक है, यदि ऑन द कंडीशनिंग लास्ट टाइम से यदि अच्छा कंडीशनिंग लेकर आते हैं तो सीओ कुछ अच्छा जरूर करने वाले हैं। बाकी कंडीशनिंग बहुत अच्छा दिख रहा है, एंड आप लोग कमेंट करके बताना कि इनका फिजिक आप लोग को कैसा लगा। नेक्स्ट जो हमारा अपडेट है वो है IFBB प्रो जुनैद कालीवाला की तरफ से। तो उन्होंने भी अपना करंट फिजिक अपडेट शेयर कर दिया, और ये इनका करंट फिजिक अपडेट है। बाय द वे, यदि अपडेट फिजिक की बात करें तो फिजिक ठीक ठाक लग रहा, बट अभी जिसे जिस तरीके से इनका जो एब्डोमिनल एरिया है वो क्लियर होना चाहिए, अभी वैसा नहीं दिख रहा। और शोल्डर वगैरह भी ठीक लग रहा, एंड चेस्ट वगैरह भी ठीक ठाक लग रहा। तो बोल सकता हूँ बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव तो नहीं बोल सकता हूँ फिलहाल, बट ठीक है, लास्ट टाइम तक देखते हैं किस तरीके से खुद को इम्प्रूवमेंट करके ऑन द स्टेज आते हैं। और जैसा कि लग रहा है कि ये मुंबई वाले प्रो शो से पहले किसी और शो में कॉम्पीट करने वाले हैं। तो गाइस, यदि इनकी तरफ से किसी भी प्रकार का न्यूज़ आता तो मैं सबसे पहले लेकर आऊँगा आपके पास। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि इनका फिजिक आपको कैसा लगा। नेक्स्ट जो हमारा अपडेट है वो है अफरोज खान के तरफ से। तो अफरोज खान ने अपने करंट फिजिक अपडेट शेयर कर दिया, एंड देख सकते हो उन्होंने कैप्शन में लिखा था ड्राई लाइक डेजर्ट, मतलब ये फुल्ली ड्राई होने वाले हैं। और इसमें ऑलरेडी दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हो आर्म्स का साइज़ देख सकते हो, और ये लाइक छोटा बम बड़ा धमाका है। आप देख सकते हो इनका लाइक एब्डोमिनल एरिया, चेस्ट देख सकते हो, शोल्डर देख सकते हो, सब ऑन द पॉइंट है। कंडीशनिंग बहुत टॉप नोच का है, और देखना इस बार फिर से मैं बोलता हूँ ये बहुत अच्छा प्लेसिंग सिक्योर करेंगे, और मुंबई वाले प्रो शो में भी इनका दावेदारी रहेगा 100%। आप लोग कमेंट करके बताना कि इनका फिजिक आप लोग को कैसा लगा। नेक्स्ट जो हमारा अपडेट है वो है सिद्धांत जायसवाल की तरफ से। तो उन्होंने कुछ बोला है न्यूज़ चैनल को बारे में लेकर, कुछ कोच के बारे में, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। एडवाइस देने के लिए वो करने के लिए नहीं बना रहा हूँ, जस्ट मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे जितने भी यूट्यूब चैनल वाले भाई लोग हैं। देखो मुझे किसी मामले की कुछ वो नहीं करना, ना किसी का वो करना है। मैं सब जिसको जानता हूँ उसको मैं पर्सनली भी उससे बात करके उसको मैं ये बोलूँगा, मतलब जिससे मेरा मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे काफ़ी करीबी है, मेरे मित्र हैं, तो उनको मैं वैसे भी करके मैं उनको बोलूँगा। तो मेरा रिक्वेस्ट जस्ट ये है कि अगर बॉडी बिल्डिंग का चैनल है भैया, तो जस्ट जितना भी है ना बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड आप चीज़ें डालिए, वो करिए। और बहुत सारी चीज़ है आप फिटनेस के बारे में, आप बॉडी के ग्रोथ के बारे में बहुत चीज़ आप बात करोगे ना। फिटनेस इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो चलेगा, व्यू आएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं आएगा, नहीं होगा। करें कि जो होता है जितना ये सब कंट्रोवर्शियल या ये सब चीज़ें है, समटाइम चलता है, ठीक है, मिर्च मसाला चलता है, मज़ा आता है, बट जब अगर बार बार वही चीज़ें होती है ना, मान लो कि कभी कुछ ऐसा हुआ कि जैसे मैं हूँ या कोई और पर्सन है, उससे मेरा पंगा हो गया, अफरोज भाई ले लो, तो समझ में आता है कि यार ये ऐसा कभी होता नहीं था, ये सनसनी न्यूज़ है, चलो वो दे दिया। बट अगर मैं और अफरोज भाई हर हफ्ते ही लड़ते रहेंगे, हर हफ्ते ही झगड़ा करते रहेंगे, और हर हफ्ते ही वो न्यूज़ पे वो आता रहेगा ना, तो वो कहीं ना कहीं निगेटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करेगा। तो फिर वैसे चीज़ों को आप कवर करना आप धीरे धीरे अवॉइड करो, क्योंकि ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बहुत सारे एथलीट हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ है, आप डालोगे, आप वो करोगे और अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। तो ये सब करने से क्या होता है ना कि इवन आपका भी जो कवर कर रहा है ना उसका भी माइंड कहीं ना कहीं नेगेटिव होगा। जितना नेगेटिविटी से पास आओगे उतना उस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे, तो उससे थोड़ा सा आप दूर रहो। मैंने तो बहुत सारे कोचेस को भी देखा है कि वो उनके क्लाइंट्स का कुछ ग्रोथ नहीं होता, उनके क्लाइंट्स का कुछ नहीं होता, वो क्या करेंगे कि कोई फेमस है तो उसके क्लाइंट्स का ले लेंगे, दिखाएंगे कि देखो ये गलत मार रहा है, देखो ये गलत कर रहा है, वो भी कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी आके करके अपना चीज़ चलाना चाहते हैं, अपना चीज़ वो करना चाहते हैं, और उससे देखोगे उनका कोई ग्रोथ नहीं होता।
वो भी जो होता है फिर उनसे जब भी बात करोगे नेगेटिव रहेंगे, इनके बारे में नेगेटिव बात करेंगे, उनके बारे में नेगेटिव बात करेंगे। तो नेगेटिविटी से ज़्यादा ना प्रोडक्टिविटी पे, आप अपना स्किल बढ़ाने पे, अगर आप यूट्यूबर हो तो आप सीखो, मसल के नाम जानो, आप जो होता है किस तरीके से क्या वर्क होता है उसके बारे में पढ़ाई करो, वो करो, तो आप एक अच्छा जो होता है ना लोगों को चीज़ें दे पाओगे, कर पाओगे। बाकी आप अपना जितना क्रिएट करोगे, मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि इन सब चीज़ों से दूर रहिए। और समटाइम्स कुछ होता है अगर इंसान, तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट अपडेट है वो है विलियम बोनेक की तरफ से। तो विलियम बोनेक का करंट फिजिक अपडेट आ गया एंड देख सकते हो ये इनका करंट फिजिक अपडेट है। बाय द वे फिजिक की बात करें तो फिजिक बहुत ज़्यादा मैसिव लुक लग रहा, आप देख सकते हो साइज विथ कंडीशनिंग दिख रहा एंड लेग्स का साइज देख सकते हो, अच्छा खासा मसल साइज लग रहा है इनका, बहुत ही ज़्यादा इंप्रूवमेंट इस साल लग रहा एंड जरूर इस साल ये बहुत अच्छा करने वाले हैं। बाय द वे आप लोग कमेंट करके बताना कि इनका फिजिक आप लोग को कैसा लगा। नेक्स्ट जो हमारा अपडेट है वो है गुरुजी मुकेश गहलोत की तरफ से। तो उन्होंने बताया कि अरे बिगनर्स को, बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है स्क्वाट्स बारबल के थ्रू नहीं करते, तो उनको कैसे करना चाहिए, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अभी बारबल वेटेड स्क्वाट नहीं कर सकते, उनके लिए यह डंबल स्क्वाट बेस्ट है, पोस्टर जैसे दिखाया है वैसे रखना है, लेकिन अपनी लोअर बैक की स्ट्रेंथनिंग के लिए भी साथ साथ काम करते रहें, हाइपर एक्सटेंशन लगाते रहें साथ में, ताकि कल को आप बारबल स्क्वाट में भी जा पाएँ। अभी शुरुआत के लिए तो ठीक है, अच्छी एक्सरसाइज है, आप अगर स्क्वाट नहीं कर पाते तो इसको अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं, ताकि लेग्स की ट्रेनिंग प्रॉपर आपकी शुरू हो जाए। थैंक यू गाइस। जो नेक्स्ट हमारा अपडेट है वो है भुवन चौहान की तरफ से। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने एक पोस्ट शेयर करा है ये, और देख सकते हो इनमें थोड़ा इन्होंने लेग्स का कंडीशन दिखाया, तो उनको बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको क्लासिक फिजिक में भी ट्राई करना चाहिए, कॉम्पीट करना चाहिए। तो उन्होंने रिप्लाई करा कि एवरी वन हु थिंक्स जस्ट बिकॉज यू हैव ए गुड लेग्स यू कैन कॉम्पीट इन क्लासिक कैटेगरी डजेंट अंडरस्टैंड द कैलिवर ऑफ क्लासिक फिजिक एथलीट टू द ओलंपिया। द डेंसिटी एंड द ग्रेनिस ऑफ मसल इज डिफरेंट देन साइज ऑफ मसल। अ 200 lbs मैन फिजिक गाय लुक लाइक अ डिफरेंट देन अ 200 lbs क्लासिक फिजिक गाय। इफ यू डोंट पुश एज हार्ड ऑन लेग डे एंड जस्टिफाई द सेइंग यू आर मीन्स फिजिक एथलीट्स, यू आर जस्ट मेकिंग एक्सक्यूज टू नॉट ट्रेन हार्ड। बिग लेग्स गिव यू एन एक्स फ्रेम डैट मेक्स यू वेस्ट लुक अ स्मॉलर ऑन स्टेज एंड ऑल्सो फिल अप योर बोर्ड शॉर्ट्स। वेन योर बोर्ड शॉर्ट्स आर बैगी और फिल्ड विद अ स्कैनी लेग्स, इट्स प्रीटी अपीयरेंट टू सी यू डोंट पुश ऑन लेग डे। नोबडी लाइक अ फिजिक विद अ स्कैनी ट्विक्स डैट यू आर हैडिंग अंडर दोज शॉर्ट्स एट देन फुल्ली वेल। तो उन्होंने ऐसा कुछ रिप्लाई करा। आपको क्या लगता है, इनको क्लासिक फिजिक में कॉम्पीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोग भी अपना थाट्स कॉमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देना। गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना।